हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। डांस का सेशन के साथ शुरुआत होगा, ज्यादा हेक्टिक वाली बातें नहीं करूंगा। एंड अभी हो रहे हैं 2:20, तो बहुत ज्यादा रेस्ट ले ली था आके, पता नहीं क्या है, अनस लगता है कभी कभी, आते हैं बैठते हैं रेस्टलेस हो जाते हैं, तो ज्यादा माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करते, बहुत मुश्किल से फोकस किए हैं। लेट्स डायरेक्टली गो टू द बार एंड हिट टुडेज वेट्स, जो कि हैवी है, नॉर्मली बेंच के सेशन के हिसाब से हैवी है। एंड उसके बाद बेंच के नॉर्मल वर्कआउट्स भी होंगे, तो वीडियो पे बने रहना। ऐसी प्यार बनाओ भाई, पहला जो रॉ वीडियो था उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, प्लीज सेम रिस्पॉन्स पे भी देते रहो। इट्स लुकिंग गुड कि कुछ नया ट्राई किया मैंने तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गो द बार नाउ। हाँ, वैसे एक बात बता दूँ आप लोग को, ये जो नंबर्स है ना, ये जो डॉट्स है यहाँ पे, ये सभी बहुत मैटर करते, पता है? आज 8 महीना पहले पता चला था कि जब आप इंटरनेशनल्स खेलने जाओगे, एशियंस वगैरह, तो आपको ये नंबर्स वहाँ पर नोट करवाना पड़ता है, का कितना नंबर पे बेंच मारना है, स्क्वाट कितना नंबर पे। मेरा रैक शायद 3 नंबर पे है और स्क्वाट का, और बेंच का 5 नंबर पे। भाई हमको पता ही नहीं था, अच्छा वैसे इंडिया में पता चल गया, कुछ ना खास्ते यूट्यूब चल गया, खेलने चल गए तो पता ही नहीं होता ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैकेट उतार के करना चाहिए भाई, जैकेट नहीं उतार रहा ना, फिसल रहा है पूरा, जैकेट उतारना पड़ेगा। अब लगाते हैं 40 kg, नहीं 50 है शायद, 50 kg लगाते हैं अब। चलो लोडिंग का प्रोसेस चालू कर लेते हैं। सबसे एक्टिव चीज़ तो यही है भाई, अनलोड और लोड करना। 60 kg हटेगा और 70 kg लगाएंगे। बार लोडेड 25 ईच साइड, लेट्स स्टार्ट नाउ। इस पे 3 रेपिटेशन है बस, तो दोनों परफॉर्म करते हैं, घुमाने में बड़ा मजा आता है। 3 रेप। तो इंटरप्रिटेशन हो गया इसका, अब 80 kg बार लोड करेंगे, उसमें शायद 2 है, ये 1 है, देखना पड़ेगा शेड्यूल भाई, भूल जाते हैं हम कभी कभी, याद नहीं रहता उतना हमको। भाई वापस से चेक करेंगे कि कितना है शेड्यूल, किस हिसाब से कितना रेप परफॉर्म करना है, जल्दी कंप्लीट करते भाई। अब गर्म हो रहा है बॉडी, धीरे धीरे ठंडा ना हो जाए। हाफ टी शर्ट एक तो पहने हुए हम, क्योंकि इसमें बॉडी ऐसा दिखता है। लेट्स स्टार्ट। तो 80 kg देखा स्पीड में आया है, अभी 2.5 kg ईच साइड लोड कर देंगे तो 85 kg हो जाएगा। उस पर सिंगल लगाना, उसमें भी सिंगल है, बट ये था टच एंड गो। अब हम लोग को करना है होल्ड, 1 होल्ड, ठीक है, पॉज जो भी बोल लो, पॉज होल्ड, लेकिन कमांड के साथ। तो 2.5 kg ईच साइड लोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्पीड होगा एंड क्या बॉडी स्ट्रेंथ अभी भी रख रहा है या फिर स्ट्रेंथ लूज कर चुका है, तो देखते हैं। इसके बदले में ये 2.5 के बदले में भी कॉलर भी लगा सकता था, बट मेरा मन किया कि नहीं 2.5 ही लगाते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा हो जाएगा, वेट्स दिखेगा। 2.5 kg, ये भी एक्चुअली 2.5 kg का ही होता है, बट ठीक है, कभी कभी वेरिएशंस भी ट्राई करते रहना चाहिए ना, मेन बात वो है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, PI का स्टेट्स का मेरा पहला, PI में मेरा पहला गेम था स्टेट्स का। क्या हुआ था कि 82.5 kg मेरा पहला अटैम्प्ट था बेंच में, लिए कमांड हुआ, लगा भाई देखो हम जिम में उस टाइम 90 kg मार के आए थे, तो मेरे को लगा कि वो हो जाएगा, बट उस दिन बहुत ही बॉडी पता नहीं साथ क्यों नहीं दिया। स्क्वाट अच्छा गया था मेरा नो डाउट, लेकिन बॉडी साथ नहीं दिया बेंच के टाइम पे, अपर बॉडी में पता नहीं स्ट्रेंथ था, मगर कुछ भी मारे नहीं गया। फर्स्ट लिफ्ट नो लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट नो लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट नो लिफ्ट, वॉश आउट। तो फिर धीरे 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 करके वो वाला एक जो डिप्रेशन स्टेज है उससे ऊपर उठा। भाई देखो बहुत डिप्रेसिव कभी कभी फील होता है, क्योंकि जब लाइफ मारती है ना तो सिर्फ एक जगह से नहीं मारती, तो उस टाइम यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू कॉन्कर योर माइंड कि कोई बात नहीं, आई कैन रीबिल्ड माई स्ट्रेंथ, आई कैन कम
back stronger. It's not me or it's not anyone else who will do it for you. You have to do it for yourself. So let's go with this weights. 85 kg bar loaded, single hold. Start. Press. तो अभी हम लोग करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस 25 kg ईच. इससे पहले मेरा दो सेट कंप्लीट हो गया, चेस्ट थोड़ा बहुत पंप है, इसी वजह से जो लास्ट सेट है वो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं. फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पिक डेक फ्लाई पे. तो पहले ये कंप्लीट करते हैं, ये कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इससे पहले इतना भी सेट परफॉर्म किया, एक में 20 आया, एक में 18, 15 kg पे 20 और 20 kg पे 18. अभी इस पे देखते कितना आता है. टारगेट रहेगा दिमाग से 15 रेप्स कॉन्कर करने का, बाकी देखते हैं. 15 रेपिटेशंस. अलग खुशी मिलता है ना टारगेट करके मारते हो तो, कि इतना रेपिटेशंस मारना है फिर वो टारगेट अचीव हो जाता है, तो अलग से खुशी मिलता है. मेरे को भी वही हुआ. 25 kg का ये हो गया, चलते हैं पेक डेक फ्लाई पे. उसके बाद और दो एक्सरसाइजेस शायद, फिलहाल चलते पहले पेक डेक फ्लाई पे. तो भाई अभी पेक डेक फ्लाई करेंगे. 50 kg बार लोड कर, मतलब 50 kg का लोड कर दिया. ये पावर लिफ्टर्स लोग का मुंह पे बैठ जाता है बार लोड ना, वो नहीं है. 50 kg लोड कर दिया, फ्लाई करना है. इससे पहले 12 रेपिटेशन का हर सेट था, इसको भी मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट 12 रेपिटेशन तक जाऊं. चल गया तो वेल एंड गुड, उससे ज्यादा एक्सीड कर दिया तो भी बढ़िया. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. Then with 12 repetitions, now let's move for our shoulder part. Shoulder में करना है, एक shoulder की exercise देखना, फिर खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, फिर हम लोग घर जाएंगे भाई. क्योंकि अभी भी नाक के सर्दी एंड कफ के वजह से ना थोड़ा सा लो फील हो रहा है, बट आज धूप है, वेदर कंडीशन अच्छा है, इसी चक्कर में ज्यादा इरिटेशन फील नहीं हो रहा है. इट्स गुड. सो लेट्स गो फॉर द शोल्डर प्रेस नाउ फॉर द मिलिट्री स्टैंडिंग. बड़ा आदमी क्या उठा के लेके आया, हम तेरे चक्कर में जिम में जल्दी से जल्दी निकले कि तेरे साथ जाना है, और तुम 2-3 घंटा कर दिया था. फिर तेरे चक्कर में जल्दी निकले, पता है जिम से भी जाके फिर शोल्डर भी मारना है. क्या हम की मार नहीं देख रहा है. This is what, क्या बोलते उसको, घूस देना. पर जिम ना करो तो भी घूस के नाम पे मार कौन देता है. और भी कितना का और बिजनेस बनाएगा भाई, 3-4 को बिजनेस तो हो गया, अब कितना करेगा. हो गया ना फॉर यू क्या. अच्छा रोज वो सब कोई फायदा नहीं है, बिजनेस कितना और बनाएगा वो बताओ. फायदा तो नहीं है, रोज जा रहा फिर भी तेरे से खर्च होना चाहिए भाई. कुछ भी कहाँ बोल देता है, हर्ट नहीं करना होता फीलिंग्स को. मानते नहीं है कि बंदे, लेकिन ऐसा फीलिंग्स नहीं हर्ट ना करना चाहिए ना, ऐसा आदमी है. बहुत अच्छा, चलेगा साथ में अभी जिम. नहीं हमको जाना पड़ेगा शोल्डर मारने के लिए भाई. तो पक्का जिम नहीं जाएगा. कैसे जाएंगे भाई. क्यों क्यों. देखो अभी जाएंगे दुकान. अच्छा आगे बोलो 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 बोलो, हम रुको मत बोलो. जिम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हाँ बहुत बिजनेस संभालना है. पैसे के आगे एवरीथिंग गोज ऑफ ब्रो. ऐसा नहीं है, मतलब हमको पता चला कि आज हम जिम नहीं जा पाएंगे. हाँ मेरा खुद मूड ऑफ हो गया. कोई बात नहीं भाई, हम लेकिन जरूर जाएंगे क्योंकि हम एक भैया को फोन कर चुके हैं, हमको पता था बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए. एक भैया को फोन कर दिए एक्शन भैया को, वो जाएंगे शोल्डर मारना बाकी है. ट्राई माय लेवल बेस्ट, आई विल सी व्हाट यू विल ट्राई. कल को तरह करेंगे फिर 9:30 में आएंगे फिर शोल्डर कर लेंगे. 9:30 बजे शोल्डर कर लेंगे, देखते हैं. कुत्ता का मोक रहा भैया, पालतू कुत्ता है. ठीक है चलो फिर जिम चलते हैं.
तो फाइनली जिम आ गए एंड अभी स्टार्ट करेंगे शोल्डर्स भी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते थे एज वर्क, लेट हो गया आई नो। कब हम लास्ट 4 बजे हम घर गए एंड अभी 8 बज रहा है, प्रॉपर 4 घंटा के बाद वापस से स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, लेकिन सिर्फ शोल्डर का। तो 3 सेट कम्प्लीट हो गया है, 10, 7:30, 10:30, 12 लास्ट सेट है, 4 सेट लेना था ऑल ओवर, 15 kg का डंबल से लेंगे लास्ट सेट। लास्ट 3 सेट में 20-20 रिपीटेशन आए, लास्ट सेट में पुश करेंगे कि 20 आ जाए, होपफुली आ जाना चाहिए, बाकी का पता नहीं, लेट्स सी, उससे ज़्यादा भी आ जाए तो भी अच्छा है। के साथ करेंगे फेस पुल्स, सुपर सेट में चलेगा 20 रिपीटेशंस का डंबल स्ट्रक्स एंड देन फेस पुल, 25 केजीज ईच हैंड। रिपीटेशन 30 kg के साथ यहीं पर मेरा शोल्डर का वर्कआउट खत्म होता है। होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।